इंस्टाग्राम पे नया अपडेट आ गया है जिसके बाद आप सारी के सारी पोस्ट और रील्स को एक साथ अनलाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट और रील्स को अनलाइक या डिसलाइक क्यों करना चाहते हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से रीज़न ये हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पर जिस तरीके की पोस्ट या रील को लाइक करते हैं उसी तरीके का कॉन्टेंट आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब आप उसे अनलाइक या फिर डिसलाइक कर दोगे तो आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश कंटेंट दिखाएगा। तो ये तो मेरा रीजन है, आप अपना रीजन याद से कमेंट जरूर करना। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे सारी पोस्ट और रील्स को अनलाइक या डिसलाइक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इंस्टाग्राम को सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम हम सर्च करेंगे और ऐप को ओपन करेंगे इस तरीके से। और मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ पोस्ट को लाइक कर देता हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ लाइव समझा सकूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार पांच पोस्ट को लाइक कर लेंगे। तो दो हो गई, तीन और एक चार, और यहां पे हमने पांच पोस्ट को लाइक कर लिया आपके सामने। अब हम क्या करते हैं ना, पांच रील्स को भी लाइक कर लेते हैं। तो रील्स के लिए हमें रील्स के सेक्शन में आना होगा। तो हम रील्स सेक्शन में आ जाते हैं और वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर देते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके का कॉपीराइट का झंझट ना हो। तो अब हम क्या करते हैं, एक रील को लाइक करते हैं, दो रील को लाइक करते हैं, तीन रील को लाइक करते हैं। एंड आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे सारी की सारी क्रिकेट की रील्स आ रही है, क्योंकि यहां पे मैं आपके सामने क्रिकेट की रील्स को लाइक कर रहा हूं। ये देखो, चौथी भी रील क्रिकेट की और पांचवी रील भी क्रिकेट की है। तो आप जिस तरीके के कंटेंट को लाइक करोगे उसी तरीके का कंटेंट इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको दिखाएगा, लेकिन जब हम इसे अनलाइक कर देंगे ना तो एल्गोरिदम पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। तो हमने आपके सामने यहाँ पे पोस्ट एंड रील्स को लाइक कर लिया है। अब हमें अनलाइक करने के लिए क्या करना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना है इस तरीके से। तो हम प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाएंगे, देन हमें मेन्यू बार पे क्लिक करना होगा। तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन्यू बार अभी लोडिंग नहीं हुआ है। तो पहले होम पेज पे आते हैं, फिर प्रोफाइल वाले सेक्शन में आते हैं और हमारा मेन्यू बार यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना। अब आपको क्लिक कर देना है मेन्यू बार पे, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे योर एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये वाला ऑप्शन पहले सेटिंग्स में ही आता था, बट अब इंस्टाग्राम ने बहुत सारी चीजों को अपडेट कर दिया है एंड सेटिंग्स एंड एक्टिविटी में सारी चीजों को उठा के रख दिया है। अब आपको क्या करना है, लाइक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी पोस्ट आप लाइक करते हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको पुरानी पोस्ट अनलाइक करनी हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो पुरानी लाइक पोस्ट है वो ऊपर आ जाएगी, लेकिन आपको न्यू वाली अनलाइक करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे छेड़खानी नहीं करनी। अब आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट वाला, ये रिसेंटली एडेड हुआ इंस्टाग्राम में, पहले नहीं था। तो आपको इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जिन जिन पोस्ट को आपको अनलाइक करना है या डिसलाइक करना है उसको सिलेक्ट करते जाना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे हमने जितनी भी पोस्ट को अभी लाइक किया था उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी हमने इन सारी पोस्ट को लाइक किया था, तो हम इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने काफ़ी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी पोस्ट को सिलेक्ट करते जाइएगा। देन आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनलाइक वाला रेड कलर का, एंड इसमें काउंट्स भी आ जाएंगे कि आपने कितनी पोस्ट को सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने 16 पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो 16 आ रहा है। तो हम 16 पोस्ट को एक साथ यहाँ पे अनलाइक करके आपको बताएंगे। हम क्लिक कर देंगे अनलाइक वाले बटन पे, तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अनलाइक दिस पोस्ट। तो हम लोग तो चाहते हैं, तो हम लोग अनलाइक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट आपके सामने अनलाइक हो गई है। ये देखो। तो गाइस, अगर आपको ये पोस्ट जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।